अपना अजमेर संस्था पिछले 5 माह से पर्यावरण सुरक्षा पर कार्य कर रही है। अपना अजमेर के सूत्रधार कौल प्रकाश ने बताया कि शनिवार को गांधी भवन चौराहे के लाल लाइट पर प्रदूषण मुक्ति के संदेश के पोस्टर का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाहक हनुमान सिंह राठौड़ और पर्यावरण मित्रों द्वारा किया गया। इस मौके पर गांधी भवन चौराहे पर क्योक्स लगाए गए और वाहन चालकों को लाल लाइट होने पर अपने वाहन बंद कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाहक हनुमान सिंह ने बताया कि अपना अजमेर संस्था द्वारा प्रदूषण मुक्ति के लिए गांधी भवन चौराहे पर पोस्टर फ्लैक्स लगाए गए हैं। इस पोस्टर को पढ़कर वाहन चालक यदि 1 मिनट के लिए भी वाहन को बंद करेगा तो चौराहे पर वायु प्रदूषण में जो कमी आएगी उसका असर पूरे शहर पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि हम दिन भर में जितना धुआं प्रदूषण अपने अंदर ग्रहण करते हैं उतना ही हम लाल बत्ती चौराहे पर 10 सेकंड में ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए अपना अजमेर द्वारा यह प्रयत्न किया है कि 10 सेकंड से अधिक लाल बत्ती पर रुकना है तो हरी बत्ती होने तक अपने वाहन को बंद करें और उसके बाद रिस्टार्ट करें। गांधी भवन चौराहे पर फ्लैक्स लगाने के साथ समाज में जन चेतना जागृत करने के लिए यह आयोजन किया गया। आए सभी पर्यावरण मित्रों का धन्यवाद संपर्क प्रमुख विनीत लोहिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर महेश लखन, ललित नागरानी, बालेश गोहिल, आरसी विजयवर्गीय, खेमचंद नारवानी, गोपाल अहिर, राजेंद्र गांधी, विनीता जयमन, दृष्टि रॉय, उमेश गर्ग, योग बाला वैष्णव और सभी पर्यावरण मित्र मौजूद रहे। ये अपना संस्थान का एक प्रयत्न है पर्यावरण प्रदूषण बचाने के लिए। जहाँ पर रेड लाइट होती है उस जगह पर सब वाहन अगर लगातार अपना वाहन को चालू रखते हैं तो वहाँ पर इतना धुआं होता है कि इस धुएं के कारण से वाहन चालक को भी परेशानी है और जो आसपास के दुकानदार और अन्य जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको अत्यधिक हानि होती है। तो हरी बत्ती होने तक अपने वाहन को बंद करें और उसके बाद रीस्टार्ट करें। ऐसा करेंगे तो बहुत बड़ा हम सहायता करेंगे। ये जो वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण है उस प्रदूषण से बचाने में हम सहयोग कर सकते हैं।